So once again, good morning everyone. Well friends, फिर से आपके साथ उसी नरेशन की जर्नी को एंजॉय करने के लिए हम आ गए दोस्तों. होप की लास्ट वीडियो जो आपने देखा, यू वर क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट, और आपने एंजॉय भी किया होगा. आई एम वेरी श्योर. टू बी ऑनेस्ट, आपकी कमेंट्स हमेशा हमें मोटिवेट करती हैं कुछ और अच्छा करने के लिए, कुछ और इफेक्टिव करने के लिए. और आप इसी तरह अपनी कमेंट्स हमें देते रहें, भेजते रहें. आई विल बी डूइंग माय बेस्ट टू असिस्ट यू, टू सपोर्ट यू. भाई, एक एजुकेटर का काम ही ये है कि वो अपने एजुकेशन को इस तरह से इम्पार्ट करे कि लर्नर को मजा आए, उसे सीख सके और वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इंप्लीमेंट कर सके, उतार सके. बस आप सबसे एक ही बात कहना है. बहुत सारे लोगों ने हमें कहा था कि सर, आपके वीडियोस बहुत फ्रिक्वेंट नहीं आते हैं. तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा वीडियो की फ्रिक्वेंसी और बनाने की या बढ़ाने की. बट यस, आई एग्री कि बहुत फ्रिक्वेंट नहीं है. मंथ में शायद 5 या 6 ही वीडियोज हैं हमारे ऑन एन एवरेज. कोशिश करेंगे हम 8 तक लेकर जाने की. आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो आए वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका हो. और दोस्त, ये केवल इंग्लिश के लिए नहीं है चैनल, ये आपके कंप्लीट होल सोल इंजीनियरिंग स्टडीज के लिए चैनल है, जिसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के तौर पर रखा हुआ है. ठीक है. और आप हमारे अलावा भी बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो बहुत एफिशिएंटली अपने उस नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. तो आपके पास वो सभी वीडियोस भी वहां पर पहुंच जाएंगे. ठीक है. सो यू विल बी बेनिफिटेड बाय देम. क्लियर. सो शुड बी स्टार्ट, शैल वी मूव ऑन. ओके. तो लास्ट क्लास में हमने जो चीजें सीखी थी उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं. पहला, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, हमने ये डिस्कस किया था. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट स्पीच में के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. उसमें हमने डिस्कस किया था रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है. वी ऑल्सो डिस्कस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है. फिर हमने डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है. उसमें हमने सबसे पहले जो चीज डिस्कस की थी वो थी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ एक ही चेंज होगा और वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में. उसकी कंडीशन क्या क्या होंगी हमने ये डिस्कस किया था. फिर हमने डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई भी सेंटेंस हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटिव, कोई भी हो, रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं हमने डिस्कस किया था आपके साथ. ठीक है. और फिर डिस्कस किया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाता. लेकिन अब लेकिन के बाद थोड़ा सा आपके साथ कुछ हम लेकर चलने वाले हैं. होम अपन स्क्रीन जो शेयर की थी हमने आपके साथ, हम उसके साथ ही चलते हैं. हम
ने यहां से डिस्कस, ये जो लास्ट डिस्कशन था वो यहीं पर था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय कोई भी चेंज नहीं किया जाता, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस तरह से चेंज किया जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि घूम फिर कर बार बार ये आपको परेशान करने वाला है। तो परेशान करे उसके पहले ही हम इसे ऐसा कर देते हैं कि सिंपल हो जाए, कुछ मत कीजिए आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होना है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच को रिलेटिव पास्ट में बदल दिया जाता है। रिलेटिव पास्ट क्या है? अब यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। तब जिन्हें ग्रामर आती है उनके लिए तो बड़ा आसान है कि सब प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो पास्ट इंडेफिनेट में बदल दिया जाएगा। हमें नहीं आती ज्यादा ग्रामर, चलो हमने पहले भी कहा था कि चीजें सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसलिए हम ऐसी कोई टर्म ही यूज नहीं कर रहे जो आपको दो चीजें और एक्स्ट्रा परेशान करने के लिए खड़ी कर दे। अब फिर से देख लेते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से चेंज करना है। एक तरफ हमने दिया है डायरेक्ट स्पीच, दूसरी तरफ दिया है इनडायरेक्ट स्पीच। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड, अब डायरेक्ट में कहां, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगे एस ईएस को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाता है। यदि डू डस दिया है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो उसे सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। लेकिन 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 यदि डू डस के बाद नॉट भी दिया है और फिर वर्ब दी है तो उसे डिड नॉट में बदल दिया जाएगा। ठीक है ना, डू नॉट या डज नॉट दिया है तो उसे डिड में बदल दिया जाएगा। अब अपन जब आगे करेंगे ना तो उसमें वो चीज आएगी। ठीक है, अब यदि इज़ेमाल दिया है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे वॉज वर्ब और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। वर्ब की आईएनजी तो जैसी की तैसी थी, इज़ेमाल को वॉज वर्ब में बदल दिया जाएगा। फिर यदि हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी थी तो वो हैज़ हैव को हैड में बदल दिया जाएगा। अब यदि आपने ध्यान से देखा हो तो जो ग्रामर जानते हैं या जिन्हें जो टेंस पहचान जाते हैं उनको सिंपल वर्ड में सीख लेते हैं या उनको उनकी लैंग्वेज में सीख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो पास्ट इंडेफिनेट हो गया, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। एक्चुअली उसमें कोई बहुत अंतर नहीं रहता है, हैज हैव की जगह हैड कर दिया, वर्ब की आईएनजी लगी हुई है तो वो तो अपन को चेंज कर में करे अपन हैज हैव में, इसलिए हमने उसको अलग से नहीं लिखा। अब यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में एडिट दिया है, मैंने पास्ट इंडेफिनेट दिया है तो उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म माने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाएगा। यदि वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी दिया है तो उसे हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी में बदल दिया जाएगा।
विल या शैल दिया है तो वुड या शुड में बदल जाएगा, कैन को कुड में, मे को माइट में, हैज टू हैव टू को हैड टू में बदल दिया जाएगा। ये स्लाइड आप अपने पास बहुत ध्यान से सेव करके रख लेना, इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू। क्लियर? लेकिन अब ये बात तो आ गई भाई कि पास्ट में बदल दिया जाएगा, और यदि याद रखना है तो और सिंपल बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं अपन, बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। लीजिए, हमने इसे शेयर करना भी बंद कर दिया, बिल्कुल भूल जाते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं जनरल सी। जस्ट से मी, डू यू वॉच द मूवीज? आई सपोज एवरीवन, है ना, सभी लोग देखते होंगे, और हॉरर मूवी देखी होगी आप सबने, रेसिडेंट ईविल हॉलीवुड, हाँ, ड्रैगन, ड्रैकुला। तो ध्यान करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल कीजिए, याद करिए एक बार कि जब कोई भूत होता था और वो किसी को भूत लग जाते थे, चाहे वो इंडियन मूवी हो, चाहे माने हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, तभी में यदि किसी को भूत लग जाते थे तो क्या होता था? आप में तो बहुत कहेंगे सर वो झाड़ फूंक करवाते थे, सर ये करवाते थे, वो करवाते थे। दोस्त ये तो बाद में होता था, होता क्या था उस व्यक्ति का जिसको भूत लग गया है, वो भी भूत बन जाता था, बस हो गया रूम, कोई ग्रामर व्रामर की जरूरत नहीं है। पास्ट को हिंदी में क्या कहते हो आप? भूतकाल, यही कहते हैं ना पास्ट टेंस को, भूतकाल, पास्ट माने भूत। बस यदि सेंटेंस में भूत लगा हो तो पूरा सेंटेंस भूत बन जाएगा, यदि सेंटेंस में भूत लगा हो तो पूरा सेंटेंस भूत बन जाएगा। अब आ जाते हैं, अच्छा, और प्रेजेंट को भूत कहते हैं क्या? अच्छा प्रभाव डाले नहीं डाले अपना, लेकिन बुरा चीज तो अपना प्रभाव डाल ही देती है। हम व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं, यदि इस पर एक दाग लग जाए तो दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि बुरे ने अपना प्रभाव डाल दिया। भूत लग गए तो अपना प्रभाव डालेंगे और पूरे सेंटेंस को वो भूत में बदल देगा। लेकिन भूत से बचने का कोई तरीका भी होगा ना, वो जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मंत्र तंत्र, मंबो जंबो, हाँ, तो वो जो भूत उतारने का एक सिंपल सा रास्ता है, वो कहते हैं अपन धार्मिक मंत्र तंत्र कर देते हैं, ताबीज बांध देते हैं, अपन भी ताबीज बांध देंगे सेंटेंस पे। माने यदि हमारा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जो अपन अभी बात कर रहे थे, फिर से उसी पर आ जाते हैं अपन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच इंटायर स्पीच बनाते समय पास्ट में चेंज हो जाती है। लेकिन अब ताबीज बांधना शुरू कर दें, धर्म चार है ना, लो चार ताबीज बांध देते हैं, इनमें से कोई भी दिया हो, कोई भूत भूत का प्रभाव नहीं पड़ने वाला वहां पे, आप पे मीन सेंटेंस पे। ठीक है, पहला है इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रुथ, if the reported speech is universal truth, then कहीं भी किसी भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता। यूनिवर्सल ट्रूथ माने जो सर्वमान्य सत्य है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसे चेंज क्यों नहीं किया जाता? दोस्त यदि चेंज कर दोगे तो अर्थ बदल जाएगा। अभी हमने कहा कि सूरज पूरब में उगता है, तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा? पास्ट में बदला तो आपने क्या हो गया, सूरज पूरब में उगता था माने अब नहीं उगता, और इसीलिए यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज नहीं किया जाता। ही इज अ बॉय यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन हमने कहा ही इज अ गुड बॉय, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अच्छा आपके लिए अच्छा है, हो सकता दूसरे के लिए अच्छा ना हो, लेकिन ही इज अ बॉय यूनिवर्सल ट्रुथ है।
इसी तरह होता है इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज हैबिचुअल फैक्ट। अब हैबिट और हैबिचुअल फैक्ट में अंतर समझना होगा हमें। हैबिट का अर्थ होता है आदत और हैबिचुअल फैक्ट का होता है आदत संबंधी सच, जो पूरी स्पीसीज पे लागू होता है। जैसे हमने कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये उनका हैबिचुअल फैक्ट है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। लॉयन ईट्स फ्लैश, ठीक है, लॉयन ईट्स फ्लैश। शेर मांस खाता है, शेर मांस खाता है, ये उसका हैबिचुअल फैक्ट है। तो ये ध्यान रखिए कि यूनिवर्सल फैक्ट और हैबिचुअल फैक्ट। अब इसमें दो चीजें और ध्यान रखें, यूनिवर्सल फैक्ट या तो नेचुरल सेंटेंस होगा, नेचुरल सेंटेंस माने नॉर्मली जो एजेमाल से बने होते हैं और जिनमें वर्ब एक्शन वर्ब नहीं दी होती है, जैसे हमने कहा ही इज अ बॉय, या तो वो नेचुरल सेंटेंस होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब हमने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, लेकिन द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा के लिए होता है और कंटिन्यूस तो मोमेंटली होता है, ठीक है। हैबिचुअल फैक्ट केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। कुत्ते अनजान लोगों पर भौंकते हैं, ये उनकी उनका हैबिचुअल फैक्ट है, लेकिन हमने कहा कुत्ता भौंक रहा है, अभी भौंक रहा, थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आया, लेकिन अब अपनी आदत को मत कहना कि मैं चाय पीता हूं ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, तो मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं, सर रोहन झूठ बोलता है, दिस कैन बी द हैबिट नॉट द हैबिचुअल फैक्ट। क्लियर। अब आते हैं इसी तरह हिस्टोरिकल फैक्ट। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज हिस्टोरिकल फैक्ट, इतिहास संबंधी सत्य, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब आपने अभी आज पढ़ा था, देखिए कि इंडिया गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो उसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना चाहिए, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो यदि इतिहास से सब जुड़ा हुआ कोई सच दिया है, हिस्टोरिकल फैक्ट कोई दिया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बदल में बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं किया जाएगा। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज प्रोवर्ब और सेइंग, सेइंग्स माने होता है मुहावरा, कहावत, यदि ये कुछ है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा। क्लियर, डन, इतना समझ में आया, होप अच्छी तरह, ठीक है। अब आते हैं हम, ये तो हो गए हमारे टेंस में परिवर्तन। अब प्रोनाउन में परिवर्तन करने के पहले थोड़े से हम प्रोनाउन डिस्कस कर लें और पर्सन डिस्कस कर लें। दोस्तों चलो इसमें अपन थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं। ये हम जितने भी ये दिए हुए हैं इनको अपन कुछ कलर चेंज करके चले, जितने भी पर्पल कलर में दिए हैं ये सब फर्स्ट पर्सन है। आप सभी जानते हैं यू सेकंड पर्सन है, कोई बहुत उभरा सा कलर डालते हैं पर कोशिश कर रहे हैं, ये यू सेकंड पर्सन है और ये चारों दीज आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, बस आई और वी सब्जेक्ट है, आई का मी ऑब्जेक्ट है और माय पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है ये
लेकिन चूंकि प्रोनाउन से जुड़ा हुआ इसलिए हमने इसे एक साथ लिख दिया। ध्यान रखना माय एक पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने तो प्रोनाउन में चेंज करने के लिए कहा था, क्योंकि इसी से बना हुआ है इसलिए हमने उसे आपको बहुत ज्यादा याद ना रखना पड़े इसलिए उससे जोड़ के रख दिया था। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही शी एक या दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ठीक है, तो सभी को कंफर्टेबल है। अब आते हैं चेंज इन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इफ प्रोनाउन्स इन द रिपोर्टेड स्पीच आर फर्स्ट पर्सन माने आई वी मी माई अस और आर। अब इसमें पजेसिव के साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, माई सेल्फ हो सकता है, अवर सेल्फ हो सकता है, वो सभी वो सी से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट पर्सन है। देन दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो इन्हें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। अब आप कहोगे सर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार कैसे चेंज करेंगे, सीखते हैं ना यार, सिंपल करते हैं, सीखते हैं। ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। चेंज कौन सा करना है, रिपोर्टेड स्पीच का। ही सेड टू मी, अब पहले जो चेंज सीखे थे वो सीख कर लेते हैं। सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो सब उसे नया जो भी आएगा वो सब्जेक्ट फॉर्म में ही आएगा, लेकिन चेंज किसके अनुसार करना है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वो हो गया ही, दैट ही। अब क्योंकि बाहर भूत तो पूरा सेंटेंस भूत में बनने वाला है, तो एम का हो गया वॉज। ही सेड टू मी, अब ही सेड टू मी का क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग। माय पजेसिव था, इसको ही के साथ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ी देर पहले अपन ने सीखा था ही का पजेसिव क्या है, हिज, तो यहां पर आ गया हिज। ये देखिए रूल वही है, हमने चेंज किया माय को काय के साथ किया था, ही के साथ, तो पजेसिव चेंज करे तो पजेसिव ही आएगा, तो हो गया हिज। क्लियर। एक और सेंटेंस देखते हैं, रूपम सेड टू मी कविता इज माय बेस्ट फ्रेंड। रूपम सेड टू मी, तो हो गया रूपम टोल्ड मी दैट। कविता तो नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, चेंज तो प्रोनाउन में होना है, तो कविता आ गया दैट कविता। अब इज का हो गया वॉज, बाहर भूत तो अंदर भूत। अब माय को चेंज किया हमने रूपम के साथ, रूपम क्या है, फीमेल है ना, शी है, और जब पजेसिव आएगा चेंज होके शी के साथ तो क्या हो जाएगा, देखो शी के साथ का पजेसिव क्या है, हर, यहां पे आ गया हर बेस्ट फ्रेंड। क्लियर सभी को, होप कि सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा, मजा भी आ रहा है यार, बोझ लेके नहीं पढ़ना, वरना पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा दोस्त। यू आर नॉट अ स्टूडेंट यार, कम ऑन, यू ऑल आर प्रोफेशनल्स, बस जिनके हाथ में डिग्री आने की देर है सब प्रोफेशनल हो। एक प्रोफेशनल बंदा दिमाग कोई टेंशन वेंशन लेके नहीं काम करेगा, वी विल एंजॉय द वर्क, है ना। आते हैं, अब आया इफ द प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर सेकेंड पर्सन, यू या योर दिया है, तो चेंज भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यदि फर्स्ट पर्सन था तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार था, और यदि सेकेंड पर्सन है तो वो चेंज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है। डन। कहानी सेड टू मी यू आर माई रियल सोलमेट। कहानी टोल्ड मी, ये तो समझ में आ गया सबको। अब जो यू दिया है, आ गई, आपने गलती पे ध्यान दे दिया, हो कि आपने दिया, यहां पर ये यू कैपिटल होना चाहिए था, बाय दोस्त,
ये नहीं करेंगे तो वो चीज सही फ्लो में चलती जाएगी, हमें समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आपको इस पे ध्यान देना होगा, है ना। और आप जब एरर फाइंड करो ना, तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में से सेंड करना। एंड दैट इज द रियल लर्निंग, दैट इज द वे ऑफ लर्निंग। जरूरी नहीं कि लर्निंग हमेशा, हम कोई प्रोविजन थोड़ी दे रहे हैं भाई। वी आर गोइंग फॉर द विद अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। और कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं, पर टू वे प्रोसेस ही रहेगी। कहानी टोल्ड मी दैट। अब आई कैसे आया, मी क्यों नहीं आया? तो क्यों नहीं आया, देखो आपने यू को चेंज किया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यू किस प्लेस पर दिया हुआ था? सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो तो आएगा तो सब्जेक्ट फॉर्म। तो कहानी सेड टू मी हो जाएगा, कहानी टोल्ड मी दैट। मी के साथ चेंज किया यू को तो क्या हो गया, आई वॉज। अब माई फिर फर्स्ट पर्सन, और कहानी से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हर रियल सोलमेट। तो बस इतनी सी प्रैक्टिस कर डालो, यकीन मानो दोस्त मजा आ जाएगा सीखने में। फिर तो इट वुड बी जस्ट लाइक बटर केक, मक्खन की टिकिया होगी कि बस सर आसानी से, अब तो मजा आ गया, अब तो सब होने लगा। और जब ये फील आता है ना, तो अपने आप प्रॉब्लम खत्म हो ही जाती है। ठीक है, अगले पे देखते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, सर बहुत हो गया चेंज वेंज, अब नहीं सर बहुत हो गया। चलो भाई आपकी मान लिया हमने, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहा था, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहा था, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना है, खत्म। चाहे नाउन है तो होना ही नहीं है, प्रो नाउन है तो भी नहीं करेंगे। दीपक सेड टू मोहित, कविश इज माय कलीग। अब दीपक टोल्ड मोहित, कविश नाउन है तो इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं था। वाज, सॉरी दीपा दिया हुआ था, दीपक नहीं। अब माय फर्स्ट पर्सन है तो दीपा के साथ चेंज किया तो हो गया हर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पर। मोना सेड दे आर वर्किंग हार्ड। अब दे प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन होने के बाद भी चेंज नहीं होता क्योंकि थर्ड पर्सन है। अब आप इसमें गलती है, आपने यदि ध्यान दी हो तो आपको समझना होगी कि इस तरह की गलतियां ना हो, क्योंकि आजकल पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप आने लगे और इसी तरह की गलतियां वो आपको दे देंगे। आपको ध्यान देना होगा यहां पर आर होगा कि वर होगा, ये वर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बाहर पास्ट है, कोई दे आर वर्किंग हार्ड, कोई ये ना तो नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ही ये हैबिचुअल फैक्ट है। जब ये नहीं है तो फिर कैसे आर रह जाएगा, ये हो जाएगा वर। और दोस्त हम फिर कह रहे हैं कि आपको इन चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह की एरर्स आएंगी। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, केवल यहां पर ही नहीं, आरजीपीपी के एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस की। जब आपका टीएनपी में एप्टीट्यूड का पेपर के साथ इंग्लिश का पेपर होगा, तब भी इस तरह की एरर्स आएंगी। चार ऑप्शन दिए होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जब एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें चार ऑप्शन होते हैं, उनमें इसी तरह से माइनर डिफरेंसेस दिए होते हैं। एक सेंटेंस में आर लगा होगा, एक में वर लगा होगा, हो सकता है एक में टी का देकर टी कैपिटल कर दिया जाए, हो सकता है किसी में सेड का टोल्ड कर दिया जाए जबकि टू लगा ही नहीं है फिर भी टोल्ड हो गया। इस तरह से कुछ एरर बहुत माइनर सी होंगी और दोस्त इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर, होप यू एंजॉय। बस एक और छोटा सा रूल पढ़ लेते हैं, वो जो अपन ने बात की थी एडवर्ब में चेंज। बेसिकली निकटता बताने वाले एडवर्ब्स को दूरी बताने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। दिस भी एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, प्रोनाउन भी है, है ना। तो इसमें ज्यादा परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने आपको ऊपर एडवर्ब वर्ड यूज नहीं किया। यहाँ पे दिस का दैट हो जाएगा, दीज का
दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, बिफोर का एगो हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट का फॉलोइंग, लास्ट का प्रीवियस, जैसे नेक्स्ट मंथ हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ, लास्ट वीक तो द प्रीवियस वीक, इस तरह के वर्ड में चेंज हो जाएगा। कुछ बुक्स में एगो का बिफोर किया जा रहा है, ये गलत है, एगो का बिफोर नहीं होता, बिफोर का एगो होता है, ध्यान रखना। बिफोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट टेंस में भी हो सकता है, जबकि एगो का यूज सिर्फ पास्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता। तो इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बिफोर एगो को बिफोर में नहीं बदलेंगे, बल्कि बिफोर का एगो में बदलेंगे। कुछ बुक्स में भी ये गलती दी हुई है और बहुत रेपुटेटेड बुक्स में ये गलती दी हुई है, ठीक है, गलती है, हो गई, इट वॉज अ टाइपिंग एरर और क्या ह्यूमन एरर, कोई बात नहीं, हम सही सीख लेते हैं। क्लियर, गॉट, होप कि ये सभी आपको समझ में आए। प्रैक्टिस के लिए अब आप कोई भी बुक उठाइए, नेट के सेंटेंस उठा लीजिए, बस असर्टिव सेंटेंस तक उठाना और वहां पे इनको सॉल्व करना बन जाएंगे। यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपने सॉल्व किया असर्टिव का है फिर भी नहीं बन रहा, तो बेहिचक हमारे पास सेंड कर देना, वी विल वर्क ओवर दैट। क्लियर, सो वेल फ्रेंड्स, होप कि आज हमने जो पढ़ा आपको उसमें मजा आया और यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर सेक्शन। बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है कि आप सभी बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अपने एग्जाम्स को विल बी क्रैकिंग वेरी इजीली ऑल द सेंटेंसेस एंड यू विल बी कमिंग विद द फ्लाइंग कलर्स, द ब्राइटेस्ट कलर्स। क्लियर, सो बाय द टाइम हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ, शब्बा खैर।